सहारा में जमा कराई, जो निश्चित मियाद पूरी होने के बाद भी सालों से उन्हें नहीं मिल पा रही है। प्रदेश का ऐसा कोई जिला या क्षेत्र अछूता नहीं है जहां गरीब और सामान्य वर्ग के लोगों का पैसा सहारा में न फंसा हो। निवेशक पिछले 4-5 साल से लगातार इन कंपनियों के चक्कर लगा रहे हैं। सहारा की शाखाओं में जाने पर वहाँ मौजूद लोग पैसा मिल जाएगा कहकर टाल देते हैं। पिछली सरकारों ने उन लोगों को कोई सुध नहीं ली जिनके सहारा व इन कंपनियों में पैसे फंसे हुए हैं, जो उन्हें उनकी ज़रूरत के समय तो नहीं मिल पाए और जिनके अभी मिलने की कोई संभावना भी नहीं लग रही है। सहारा में तो इस कंपनी ने लगभग 12 लाख कर्मचारियों का पैसा तक फंसा हुआ है, परंतु सरकार के पास ऐसा कोई डाटा तक नहीं है जिससे ये पता चल सके कि प्रदेश में कितने लोगों का पैसा इन कंपनियों में फंसा हुआ है। प्रदेश के लोगों के साथ किए गए लूट खसूट के कुछ बड़े बड़े मामले इन सरकार हैं। ये सारा डिटेल है और आपसे उम्मीद है कि आप, हमारी मांग है कि सहारा एवं बस कंपनियों में निवेश करने वाले प्रदेश के गरीब एवं मध्यम वर्ग के लोगों को सूचीबद्ध कर तत्काल उनका पैसा वापस हो। सरकार इससे हस्तक्षेप करते हुए सहारा इंडिया समूह बस व देवी को इसके लिए निर्देशित करें। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय ललित जी के आह्वान से और निर्देश पर सहारा कंपनी के कुछ लोगों से जाके मिले, बस कंपनी के कुछ लोग जाके मिले। उन्होंने जब अपनी व्यथा सुनाई तो उन्होंने हर जिला स्तर पर धरना प्रदर्शन के द्वारा ज्ञापन DM को देने का किया है और पूरा ये वादा हम उन पल्स कंपनी और जो हमारे सहारा कंपनी के जिनको पैसा नहीं मिला पूरा भरोसा दिलाने के लिए कि कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है और जब तक पैसा नहीं मिल जाएगा हर कदम पे कांग्रेस पार्टी संघर्ष करने के लिए उन धारकों के साथ खड़ी है। अगर सरकार आपकी मांगे नहीं मानती है तो फिर धरना आपका कहां तक जाएगा? सरकार तो कोई मांग नहीं मांग रही है, सरकार तो अपनी ही बात कर रही है, अपने मन की बात करती है। हम लोगों ने आज अपनी मन की बात कही है और इस जनता के द्वारा कांग्रेस सरकार बिल्कुल निश्चित, प्रियंका गांधी जी का जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मिशन है, आदरणीय लल्लू जी का जो प्रयास है, हम लोग कांग्रेस पार्टी की सरकार हमारी उत्तर प्रदेश में बनेगी और हमारे सहारा पल्स कंपनी के अलावा और भी जो लोग संघर्ष कर रहे हैं उस संघर्ष के साथ रहेंगे और न्याय दिलवा के हम लोग आगे की क्या रणनीति, आगे की रणनीति इसके बाद हम लोगों का लखनऊ में रहेगा धरना प्रदर्शन। लखनऊ में लड़ाई लड़ी जाएगी, मुकदमे की बात होगी मुकदमा लड़ा जाएगा। कांग्रेस पार्टी हर कदम पे जो हमारे आवेदक थे जिनके पीड़ित हैं उनके साथ हर कदम पे खड़ी है।